तो हेलो गाइस, माय नेम इज अजमल खान। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं कर रहा हूँ भाई एक ब्लॉग शूट। एक्चुअली में मुझे ऑर्चिड करके एक टूर एंड ट्रेवल की कंपनी है, कोई टूरिज्म कंपनी है एक्चुअली में। तो उनका बार बार मुझे कॉल आया कि सर आपने आपने गाड़ी खरीदा था, तो हम चाहते हैं कि आपको एक टूर का पैकेज दें, जो जो कि अभी फिलहाल जो वो टूर पैकेज देंगे वो टू नाइट या वन डे टू नाइट्स का देंगे वो लोग पैकेज, जिसका वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पैकेज होगा, वो मुझे कोई पे नहीं करना पड़ेगा। जब भी एक साल के अंदर कहीं घूमने जाऊंगा मुझे वो गिफ्ट करेंगे वो लोग, और बाकी उनके जो भी चीज़ें होंगी वो अपने जो है ट्रेवल कंपनी के बारे में, उनका टर्म कंडीशन क्या है उसके बारे में वो लोग थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोहिया चौराहे पे। ये देखिए, जब से ये स्ट्रीट लाइटें लगी है ना, आपने देखा होगा रोड पे, तब से ये लखनऊ के नज़ारे कुछ अलग बदल गए हैं। पहले उतना अच्छा नहीं लगता था, जब से ये स्ट्रीट लाइटें लग गई है। देखो ऑटो वाले भाई, ये इनकी ड्राइविंग है भाई, देख लो इनकी ड्राइविंग। तो भाई ये देख लो भाई, ये लखनऊ की सबसे चौड़ी रोड आपको यहीं भी मिलेगी। ये आप लोहिया चौराहे से जब अम्बेडकर पार्क की तरफ बढ़ेंगे ना फन होते हुए, तो आपको ये रोड मिलेगी जो कि 8 लेन आपको ये रोड मिलेगी, जो कि ये VIP रोड कही जाती है। तो काफ़ी खूबसूरत सा लगता है यहाँ पे, बहुत खुला खुला सा लगता है। ये देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए ये आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। लखनऊ में जो भी बिजनेस करते हैं वो लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अपना जो है पढ़वा सकते हैं। बाकी इधर देखिए आपका फ़न मॉल है, यहाँ पे इधर साइड आपका फ़न मॉल हो गया। तो ये देख लीजिए, ये हज़रतगंज की गलियाँ हैं भाई, काफ़ी फेमस गलियाँ हैं हज़रतगंज की। ये भाई एशिया की टॉप क्लास की मार्केट है, ये गोल्डन टच पे काफ़ी खूबसूरत सी लगती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है भाई। कहाँ अमीना बाज़ार, तेज कुमार प्लाज़ा भाई, अटल लेवाना का भाई मेन तुमको मैं भी खोलना पड़ेगा लग रहा है। तो जैसा कि गाइस बता रहा था कि मैं अभी फ़िलहाल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं, और यहां पे अभी मुझसे एक फॉर्म फिलअप कराया गया है, जो कि मुझसे नॉलेज में लिया गया है कि पिछले अभी आपकी पिछली ट्रिप कौन सी थी, कहां आप गए थे और क्या कॉस्ट आई थी उसकी, और यही सब चीज़ें मतलब असल में इनका टूर वगैरह का है, पैकेजेस वगैरह का है, तो ये लोग उसी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं। और वो एज्यूम करते हैं कि बंदा कितना पैसे कितना खर्चा कर सकता है और कितना क्या चीज़ें हैं और कहाँ तक प्लान कर सकता है, तो इसी के बारे में चीज़ें जो है यहाँ पे अभी मुझसे एक फॉर्म भराया गया और उसमें इन्फॉर्मेशन जो ली गई वो यही सब चीज़ें ली गई। बाकी देखिए यहाँ पे अभी लोगों ने मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी फैमिलीज वगैरह भी आई हुई हैं, तो देख सकते हैं आप ऐसा कुछ है। बाकी एक भाई अभी और कुछ है भाई, हेलो हेलो, आप ही से बात हुई थी क्या मेरी? नहीं सर, फोन पे किससे बात हो रही थी मेरी? आदित्य से बात हुई थी। तो कौन है आदित्य, मिला ही नहीं? बैक ऑफिस से। अच्छा बैक ऑफिस वाले हैं। मैं दिल्ली से ब्लॉग कर। जी जी बताइए। तो आप लोग कहाँ से ब्लॉग करते हैं? हम तो फिलहाल 10-11 सालों से लखनऊ में ही हैं। वैसे हम सिद्धार्थ नगर से ब्लॉग करते हैं। तो आज आपके पास ही कॉल आया था? हाँ मेरे पास ही आया। क्या गिफ्ट आप लोगों को बताया गया आज हमारी कंपनी दे रही है? जी क्या गिफ्ट आपको बताया हमारी कंपनी दे रही है? गिफ्ट में उन्होंने बताया था कि जो शायद टूर वगैरह का जो भी होता है वही नॉलेज लिया था उन्होंने कि पिछली बार आप कहाँ गए थे, क्या किया था, कहाँ मतलब प्रीवियस टूर कौन सा था, यही सब चीज़ें था। और बाकी कह रहे थे कि आपका टू नाइट शायद वन डे का कुछ ऐसा है, मूवी टिकट वगैरह ये सब चीज़ें थी। तो मैंने कहा देखता हूँ क्या है कैसा है, हम लोग जाते रहते हैं तो ट्राई किया था क्या। मेरे पास महिंद्रा वालों का भी बहुत बार कॉल आया था, मैं जा ही नहीं पाया था, इस बार प्लान कर लिया आप लोगों का ताकि चला आया, नहीं तो आना ही नहीं। मेरा प्रॉपर्टी जी, आप वीडियो वगैरह बना रहे हैं? हाँ अभी मैं मेरा यूट्यूब चैनल भी है एक्चुअली। अच्छा किस नाम से? परफेक्ट का, मेरा कार रिव्यूज का है, ऑटोमोबाइल्स का है। तो गाइस अभी जैसा कि मैं बता दूं आपको कि चीज़ें अभी बुला के मुझे यहाँ इन लोगों ने अपना जो है जो स्कीम होती है मेन पैकेजेस का वो उन्होंने समझाया है। मेनली यहाँ पे बुलाने का इनका रीज़न ये रहता है कि आपको ये
मेंबरशिप बेचेंगे। मेंबरशिप बेचने के लिए आपको इनवाइट करते हैं और कुछ आज के दिन स्पेशल रखते हैं ऑफर की, भाई आप अगर आज के दिन अगर कोई चीज़ लेते हैं तो शायद उनके पैकेजेस को लेते हैं तो शायद आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये पैकेजेस आपको वो नहीं मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ है ना, जो आप ये चीज़ें जो है आप इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है भुला के एक तरीके से आपको पिंच करने वाला मामला है। तो गाइस अभी फिलहाल देखिए बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है काफ़ी हद तक, तो जैसा कि गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ वहाँ से। तो ये ऑर्चिड करके कोई टूरिज्म कंपनी है जो कि 2 साल पहले अभी इन्होंने इस सेगमेंट में इन्होंने शुरुआत की है, टूर एंड टूरिज्म में इन्होंने एंटर किया था। भाई इससे पहले तो मैं नाम सुना नहीं था इस कंपनी का, लेकिन जब मैं अभी आया यहाँ पे तो उनका एक अटेंडेंट जो है बताने लगा चीज़ें, सारी चीज़ें बताया, हालांकि अच्छा था, लेकिन ये कि भाई देखो सेम डे कोई चीज़ डिसीजन लेना और तुरंत भाई कोई चीज़ को डिसीजन ले लो कि भाई आज ही जो है लेना है या आज ही के लिए ऑफर है, तो भाई ये मेरे ख्याल से समझ में नहीं आता कि इस तरीके से आपको क्यों करना। भाई 2-4 दिन 5 दिन का समय दो, अगर आपने बुलाया है भाई 4-5 दिन का समय दो। तो गाइस हालांकि कूपन जो उनको देना था, गिफ्ट वाउचर वगैरह जो देना था वो तो दिया उन्होंने, भाई मैंने पैकेजेस वगैरह मुझे लेना नहीं था, मैंने डिनाई कर दिया भाई मुझे नहीं चाहिए कोई पैकेज वगैरह, तो उन्होंने चुपचाप भैया बोला कि ये आपका गिफ्ट वाउचर है भाई ये ले लीजिए आप जाइए भैया। हमने कहा ठीक है भाई हम भी निकलते हैं, धन्यवाद भैया। तो हम भाई अपना वाउचर लिए निकल आए और देखते हैं वो रिडीम हो पाएगा कि नहीं, तो जब कभी जाएंगे कहीं तो शायद उसको ट्राई करेंगे रिडीम करने के लिए, अगर होगा तो भाई ज़रूर बताएंगे आपको और नहीं होगा तो भाई कोई बात नहीं चले गए थे भाई एक्सपीरियंस के लिए जो भी था, मतलब देखते हैं कि क्या होता है कैसे गए लोग क्या करते हैं, मेन मोटिव यही था एक्सपीरियंस करने का और ब्लॉग भी शूट हो जाएगा आप लोगों, तो एक वीडियो भी बना के डाल दूंगा इसीलिए जो है मैंने इस चीज़ को ट्राई किया। बस यही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और गाइज कल मैं शूट करने वाला हूँ किया क्रेंस की वीडियो और उसका रिव्यू आएगा भाई, वॉक अराउंड व्यू आएगा भाई, आप लोग उस वीडियो को भाई ज़रूर देखना। Trying to get on my line, 'cause the people I know manifest this year, 7+ on the roads. They ain't doing this shit.